जो संकेत सेंट्रल वाटर कमीशन से आ रहे हैं वो ये हैं कि हिमाचल से सोलन शिमला आदि में जो बहुत बारिश हो रही है और हरियाणा से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है लगातार, और अभी जो पानी हाथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है वो करीब 2 लाख क्यूसेक के हिसाब से छोड़ा जा रहा है, बट कुछ घंटों पहले तक 3-3.5 लाख क्यूसेक तक भी छोड़ा गया है। और जो ट्रेंड बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो राइजिंग ट्रेंड है और ये आगे जाके 5 लाख क्यूसेक तक भी पानी छोड़ा जा सकता है। हालांकि दिल्ली ने एक समय में बड़ी मात्रा में पानी जो है वो यमुना से गुजारा है, मगर क्योंकि ये ट्रेंड जो है लगातार चल रहा है इसलिए थोड़ी समस्या जो है वो आ रही है। क्योंकि अगर बहुत देर तक पानी इतना ऊंचा रहेगा, जैसे अभी आप देखें यमुना का जो लेवल है करीब 5-5.5 मीटर ऊपर है, मतलब कह सकते हैं 1.5 मंजिल मकान जो है के बराबर ऊंचाई पे यमुना चल रही है। और अभी आप जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ मॉनेस्ट्री का इलाका, यहाँ लगभग आप देख सकते हैं कि जो हमारे बंड हैं उसके लेवल से अब 1 मीटर नीचे जो है यमुना है। इसलिए जहाँ जहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि यमुना जो है शहर के एम्बैंकमेंट को ब्रिज करके शहर में घुस सकती है, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एम्बैंकमेंट बना रहे हैं अपनी तरफ से, मतलब कि जो आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। फिलहाल जो खतरे में जो जगह है वो ये बोट क्लब का, ये सिविल लाइन्स का हिस्सा है और आगे मॉनेस्ट्री का हिस्सा है, ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे एम्बैंकमेंट्स बनाने का काम चल रहा है। सारी रात इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि कहीं पे जो है एम्बैंकमेंट टूटे ना, यमुना जो है ब्रिज करके शहर में ना घुसे। अभी जो है स्थिति जो है काबू में है, मगर CWC का जो अनुमान हमको दिया गया वो ये है कि रात को 10 बजे के आसपास ये यमुना का लेवल दोबारा जो है हाई होगा, और मुझे लग रहा है पिछले 10-15 सालों का हाईएस्ट लेवल जो है वो अभी चला गया है, और ये लेवल 207.54 मीटर तक भी जो है रात को 10 से 12 के बीच में जा सकता है। सर 78 का जो रिकॉर्ड है 207.65 के आसपास, क्या वो टूटने की संभावना आप लोगों को? अभी जो सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया है उसके हिसाब से जो 1978 का रिकॉर्ड 207.6 के करीब था उसके आसपास जो है आज रात तक पहुंचेगा, मगर 1978 से अब तक में काफी सारी तब्दीलियां हो चुकी हैं। अब जो है यमुना के आसपास बंद बनाए गए हैं, जो नजफगढ़ ड्रेन थी उसके साथ एक सप्लीमेंट्री ड्रेन बनी हुई है, और जो जितने भी नाले दिल्ली के अंदर आ रहे हैं उनके जो बराज थे वो अभी बंद कर दिए गए हैं ताकि जो नालों से जो है उल्टा फ्लो जो है शहरों के अंदर ना जाए, क्योंकि जब नदी का स्तर ऊपर हो जाएगा, नाले का स्तर नीचे हो जाएगा, तो पानी नदी से नालों के जरिए शहर में जा सकता है। इसलिए वहाँ पे भी जो है हमने उनको रोक दिया है बराजेस बना के ताकि वो पानी ना जाए, और शहर का पानी नदी में जा सके उसके लिए पंप्स लगाए गए हैं जगह जगह, हाई कैपेसिटी पंप्स, ताकि शहर का पानी नदी में जा सके मगर नदी का पानी शहर में ना जा सके। DTC का मुख्यालय जो है वहाँ पे भी पानी भर गया है, एम्प्लॉइज जो है वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। देखिए IP एक्सटेंशन तो लो लाइंग एरिया है और आबादी का एरिया तो है नहीं, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ ब्रीच करेगा वहाँ वहाँ फिर हम डिपार्टमेंट्स को कह के एम्बैंकमेंट्स बनवाएंगे। इवैक्यूएशन भी हुई है स्लम्स एरिया की, कितनी इवैक्यूएशन कल से चल रही थी और मुझे लग रहा है कि इवैक्यूएशन ज्यादातर तो हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो मुनादी के बाद, वार्निंग के बाद भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, तो वही कुछ लोग बचे हैं, वरना जनरली सारे लोगों को इवैक्यूएट करा के हम जो है अपने टेंट्स में ले आए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।